स्टूडेंट है तो नौकरी ही मांगेंगे और क्या मांगेंगे, बस नौकरी और तो कुछ नहीं। जो मन में रहता है वही ना मांगेंगे। क्या रहता है? बहुत चीज रहता है मन में। क्या मन में, क्या मन में? लेकिन यहाँ आने से एक फायदा होता है, चप्पल नया हो जाता है रूम जाते ही। चप्पल नया कैसे नया होता है? चप्पल पता नहीं कैसे हो जाता है, रूम जाते ही चप्पल नया हो जाता है। भगवान शिव की लोग आराधना करते हैं महाशिवरात्रि में, वर की कामना करते बहुत सारे लोग। आप लोग ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि वर मांगने मतलब वर के लिए? हाँ ऐसे लड़कियाँ बोलती है, लेकिन ये नहीं है, बस अंदर से एक श्रद्धा रहना चाहिए भगवान के लिए कि वो कोई भी मनोकामना पूर्ण कर दे। पूजा कर लिए लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ। क्यों संतुष्टि नहीं हुआ? इसलिए कि हमारे महावीर मंदिर में तीन भोले बाबा हैं, तीनों पर रुद्राभिषेक हो रहे हैं, पब्लिक के लिए एक भी खोला नहीं गया है। अब संस्था जो यहाँ के गार्ड हैं और पंडित हैं, उनका कहना है कि हम संस्था से हैं, तो संस्था पब्लिक से चलती है या पब्लिक संस्था चलती है ये पता नहीं हमको। भीड़ को देखते हुए कम से कम एक भोला बाबा को आजाद किया जाए पब्लिक के लिए, बाकी पर रुद्राभिषेक किया जाए। दर्शन करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम तो कर लिए लड़ाई, थोड़ा झगड़ा हो गया है बाबा से, लेकिन हम कर लिए हैं। आम पब्लिक के लिए भी खोला? आम पब्लिक के लिए एक बाबा को तो फ्री करना चाहिए, सब बाबा पर कैप्चर है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। देखिए आज महाशिवरात्रि का दिन है और देश में भक्तगण जो है वो भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, यानी पूरा देश आज भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। हम जायजा लेने पहुंचे हैं पटना के हनुमान मंदिर में। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो भक्तगण हैं वो लाइन में लगे हुए हैं भगवान शिव की पूजा करने के लिए, बजरंग बली की पूजा करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और इधर से जो है भक्त वो पूजा कर करके बाहर निकल रहे हैं। हम भक्त से बात करेंगे जो आज महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने क्या कुछ मांगा है भगवान से और पूजा कब से कर रहे हैं, कहां से आए, तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं। कहां से आए हैं? मंदिर आए हैं। पूजा कर लिए जी? क्या मांगे भगवान से? क्या मांगे? बस दर्शन कर लिए ही काफ़ी है। दर्शन सिर्फ? दर्शन किए, कुछ मांगे भी? मांगना तो भगवान के दरबार आए हैं तो मांगवे करेंगे। क्या मांगे कुछ बता दीजिए? अब मिलेगा तब ना, अभी क्या मांगे, अभी तो गुप्त ही रहेंगे ना। मतलब गुप्त रखे हैं बात को, क्या मांगे? और क्या, आप पूजा कर लिए? जी हाँ पूजा कर। क्या मांगे? बस जो दोनों सही सलामत रहे, दोनों का जोड़ी रहे, यही और दोनों का जोड़ी रहे। और क्या, सही सलामत रहे। और ये बच्चे आपके हैं? जी जी। कहाँ से आए हैं? खेमनी चक से। खेमनी चक से जी। और लोग हैं उनसे बात करेंगे। पूजा हो गया? हाँ पूजा हो गया सर। एकदम कहाँ से आए हैं? हम लोग सुपौल से आए हैं। सुपौल से पूजा कर रहे हैं, पटना आए हैं? हाँ। वहाँ से? हाँ। कब से कर रहे हैं शिवरात्रि? इस बार पहली बार हम कर रहे हैं। हाँ। क्या मांगे भगवान से? भगवान से दुआ मांगे कि हमको अच्छा नौकरी मिले। नौकरी मिले? हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, 12th क्लास में है। 12th क्लास में? हाँ। नौकरी मिलेगी? हाँ। मांगे भगवान से? हाँ। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से भैया, संदलपुर से। क्या मांगे भगवान से? स्टूडेंट है तो नौकरी ही मांगेंगे और क्या मांगेंगे, बस नौकरी और तो कुछ और नहीं। जो मन में रहता है वही ना मांगेंगे। क्या रहता है? बहुत चीज रहता है मन में। क्या मन में, क्या मन में? लेकिन यहाँ आने से एक फायदा होता है, चप्पल नया हो जाता है रूम जाते ही। चप्पल नया कैसे नया होता है? चप्पल पता नहीं कैसे हो जाता है, रूम जाते ही चप्पल नया हो जाता है। नया चप्पल हो जाता है, सही बात है। हमको क्या पता, कहाँ से आए? ये मेरा रूममेट सुरे है। कहाँ से आए? हम सुपौल से आए। पूजा कर लिए? हाँ कर लिए। क्या मांगे भगवान से? क्या सुख शांति मांगे? सही सही बताइएगा, क्या मांगे? सही सही बता रहे हैं तो इसमें झूठ क्या? शांति मांगे हैं। जॉब भी चाहिए? हाँ तो चाहिए ना। जॉब ने मांगे? मांगे ना, मांगेंगे क्या, करेंगे तब ना होगा, पढ़ेंगे तब ना। श्रद्धा है भगवान में? हाँ। हम कौन सी शिवरात्रि? हम शिवरात्रि कब से कर रहे हैं? हम नहीं करते हैं, बस वैसे पूजा करने आए। पूजा करने आए? हाँ। महावीर मंदिर पहली बार आए हैं? नहीं, दो बार। कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं पटना से ही आए हैं, पढ़ते हैं। पूजा कर लिए? हाँ। क्या मांगे भगवान से? भगवान से, भगवान तो देख रहे हैं सब, जो होगा भगवान दे देंगे, बस श्रद्धा रहना चाहिए अंदर। भगवान शिव की लोग आराधना करते हैं महाशिवरात्रि में, वर की कामना करते हैं बहुत सारे लोग। आप लोग ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि वर मांगने मतलब वर के लिए? हाँ ऐसी लड़कियाँ बोलती है, लेकिन ये नहीं है, बस अंदर से एक श्रद्धा रहना चाहिए भगवान के लिए कि वो कोई भी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो ये शंकर जी के लिए ऐसे ही हम लोग फास्टिंग रहते हैं कि अपने हाँ करियर के लिए ज़्यादा हम लोग अपना फोकस करते हैं, बाकी सब उनके ऊपर है, वो जैसे करेंगे वैसे। क्या लग रहा है कि कामना पूरी होगी? हाँ हाँ बिल्कुल होगी, एकदम मेरी भी कोई अपने है। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल है, पूरा विश्वास। कहाँ से आप लोग? कहाँ से आए हैं? बोले बोले बोले, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आंटी? पटना से। पटेल नगर से आए, हमसे बात कीजिए। पूजा कर लिए लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ। क्यों संतुष्टि नहीं हुआ? इसलिए कि हमारे महावीर मंदिर में तीन भोले बाबा हैं, तीनों पर रुद्राभिषेक हो रहे हैं,
पब्लिक के लिए एक भी खोला नहीं गया है। अब संस्था जो यहाँ के गार्ड हैं और पंडित हैं उनका कहना है कि हम संस्था से हैं, तो संस्था पब्लिक से चलती है या पब्लिक संस्था चलती है ये पता नहीं हमको। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि पब्लिक को भीड़ को देखते हुए कम से कम एक भोला बाबा को आजाद किया जाए पब्लिक के लिए, बाकी पर रुद्राभिषेक किया जाए। दर्शन करना चाह रहे थे आप लोग? नहीं, हम तो कर लिए लड़ाई, थोड़ा झगड़ा हो गया है बाबा से, लेकिन हम कर लिए हैं। आम पब्लिक के लिए भी खोल, आम पब्लिक के लिए एक बाबा को तो फ्री करना चाहिए, सब बाबा पर कैप्चर है। कैप्चर कौन किए हुए? मतलब संस्था सब पर रुद्राभिषेक करवा रहे हैं तो बढ़िया चीज़ है, शांति के लिए बढ़िया चीज़ है, रुद्राभिषेक आप करें, लेकिन भीड़ को देखते हुए पब्लिक को भी ध्यान में रख के इस चीज़ को सुविधा दिया जाए, ताकि पब्लिक जो भी आए हैं यहाँ श्रद्धा लेकर उनका श्रद्धा तो पूरा हो। तो आप तो कर लिए, आप तो आप अरे हम कर लिए, हम अकेले पब्लिक नहीं है, हजारों की संख्या में पब्लिक है। नीचे जाइए आप, पीछे से आप नीचे जाइए, वहाँ आपको सब दृश्य पता चलेगा, सच्चाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। थैंक यू। कहाँ से आए हैं? करबी भैया। क्या मांगे भगवान से आए? भगवान से बहुत कुछ मांगे, बताया नहीं जाता है जो मांगते हैं। फिर भी कुछ तो होगा मन में, ऐसा श्रद्धा है भगवान पे, पूरा होगा? बताना नहीं चाहिए भैया। फिर भी होता है ना कि भगवान से मेरी इच्छा की ये थी, कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं पढ़ाई? महाशिवरात्रि कब से कर रहे हैं? आज से, पहली बार है। बर्थडे भी है मेरा, बर्थडे। तो आपने सुना कि तमाम जो भक्त हैं जो महावीर मंदिर आए हैं वो पूजा करके बाहर निकल रहे थे, और उनसे हमने बात की, सब ने अलग अलग अपनी राय रखी है, भगवान पे क्या कुछ आस्था है, क्या कुछ मांगे हैं, तमाम बातें उन्होंने अपनी रखी है। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।